नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर भरतपुर से है। पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के कनकांचल और आदि बद्री पर्वत व इसके आसपास क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में कनकांचल और आदि पर्वत संबंधी प्रकरण में आयोजित वार्ता के बाद उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्हें इस मामले में सकारात्मक समाधान के लिए यहां भेजा है। आज की वार्ता पूर्ण सकारात्मक रही, 1 से 2 दिन में पुनः वार्ता होगी। वार्ता के लिए आए 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य राधाकांत शास्त्री ने बताया कि वार्ता सफल रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमें पूरा विश्वास है। वर्ष 2009 में भी उन्होंने यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करवा कर ऐतिहासिक कार्य किया था। गोपेश विष्णु दास ने बताया कि वार्ता सकारात्मक रहने से बाबा हरिबोल दास द्वारा की गई आत्मदाह संबंधी बातें अभी अप्रासंगिक हो गई है। वार्ता में संभागीय आयुक्त सावर मल वर्मा, मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। और 1 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री जी ने जो बचा हुआ शेष भाग था उसको भी आरक्षित वन घोषित करने की घोषणा की थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल हृदय के और धर्म प्राण व्यक्ति हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है उस वार्ता में अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि वो 1-2 दिन वार्ता चलेगी, और उस वार्ता आपसे सबसे प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, और आपने ये आश्वासन भी दिया ऐसा जब तक हमारी वार्ताएँ बिल्कुल सकारात्मक चल रही है ऐसा कोई कदम नहीं होता। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है और पूरी पावर देकर भेजा है, और जिन जो हमारी बातें हुई हैं सब चीज़ तो हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ इस बात की, लेकिन हम बहुत जल्दी ही तो भरना ही है, बल्कि हम तो उसको एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। और टूरिज्म मिनिस्टर होते हुए आज मैं भी कह रहा हूँ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो आप चाहिए उसको हम डेवलप नहीं करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आग्रह किया है और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने एक जिसका डिक्लेरेशन किया था कि हम आत्मदाह करेंगे। पहले सबसे पहले तो जितने यहाँ साधु संत गुरुजन विराजमान हैं जो हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की वार्ता हमारी बहुत सकारात्मक है और हम फिर वार्ता कर रहे हैं 1 या 2 दिन में, ज़्यादा 1-2 दिन में। आपकी 2-3 डिमांड हैं, सबसे प्राइमरी डिमांड तो ये है कि उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाए। उसी प्रधानमंत्री जी यहाँ विराजी हुए हैं और आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करके हम लोगों को आहूत किया और हम लोग यहाँ आए। हम बड़ी प्रशंसा अपने को महसूस कर रहे हैं प्रशंसित, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में 1 घंटे में